हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शरद चौहान और हाजिर हूं आपके सामने। देखिए 69,000 भर्ती की कोर्ट अपडेट लेकर। देखिए दोस्तों, जब आज हमारा केस 156/2019 को कोर्ट में पुकारा गया तो शिक्षा मित्रों के वकील जो है परिहार सर, वो वहां उपस्थित थे और उन्होंने जो है मोर्चा संभाला शिक्षा मित्रों की साइड से। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा मित्रों को प्रदान की गई छूटों के संबंध में न्यायालय को अवगत कराया परिहार सर ने। तो जज साहब हैं जो पंकज सर, उन्होंने कहा कि भाई देखो 68,500 पर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो आप 68,500 को छोड़िए और 69,000 भर्ती पर चर्चा कीजिए, क्योंकि ये केस 69,000 भर्ती से संबंधित है, तो आप सिर्फ इसकी बात कीजिएगा। और परिहार सर ने यह भी बताया जज साहब को कि अपेक्स कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, एक दो कॉन्जिक्यूटिव भर्तियों की बात की थी, यानी कि दो क्रमशः भर्तियां होनी चाहिए और परीक्षा की तिथि पर कोई कट ऑफ नहीं था, तो इसीलिए देखिए पिछली भर्ती के कट ऑफ को ही मान्य हो जाना चाहिए, यानी कि ये ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें कोई कट ऑफ नहीं लगाया गया था और दोनों भर्तियां क्रमशः होनी थी, कॉन्जिक्यूटिव होनी थी, तो पिछला कट ऑफ इस पर अप्लाई हो जाना चाहिए। लेकिन पंकज सर ने कहा, देखिए परिहार जी, आप सिर्फ लीगल ग्राउंड्स पर चर्चा करें, ठीक है, बाकी आपकी कही सभी बातें पहले से ही हम नोट कर ली गई हैं, क्योंकि आपके जो अलग अलग वकील हैं उन्होंने सब पहले ही अपनी ये सारी बातें रख दी हैं, पहले ही वो सारी बातें हमारे पास नोट डाउन कर ली गई हैं। तो परिहार सर ने फिर समाप्त कर दिया अपना सबमिशन और उन्हें कहा कि अब मैं अपना रिटर्न सबमिशन सबमिट कर दूंगा। और जैसे ही उन्होंने अपना रिटर्न सबमिशन फाइल किया, उसके बाद हमारे 90/97 के पक्ष की तरफ से कालिया सर ने अपनी कमान संभाल ली, ठीक है। शिक्षा मित्रों की ओर से किसी और का पक्ष लेने से कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि शिक्षा मित्र चाह रहे थे कि उनका कोई जूनियर एडवोकेट और इसके बारे में कुछ अपना पक्ष रखे, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया कि अब शिक्षा मित्रों की ओर से किसी और का पक्ष नहीं सुना जाएगा। तो इसके बाद कालिया सर ने कमान संभाल ली और कालिया सर ने बोलना स्टार्ट कर दिया। न्यायालय ने उनको 10 मिनट का उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया, उनको 10 मिनट का समय दिया। कालिया सर ने अपनी बहस शुरू कर दी। उन्होंने किसी बुक, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का रेफरेंस उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि मिनिमम की परिभाषा क्या है, न्यायालय के सामने उन्होंने मिनिमम शब्द की, यानी कि मिनिमम जो वर्ड है उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन जाहिर की कि इसका मीनिंग होता क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि NCTE की गाइडलाइंस के जरिए मिनिमम के बारे में जो शिक्षा मित्रों ने गलत परिभाषा दी है वो किसी भी तरह से, देखिए, कंसिडर करने लायक नहीं है। और शिक्षा मित्रों के अधिवक्ताओं ने बार बार मिनिमम शब्द की आड़ ली है, यानी कि उन्होंने मेन मुद्दे से हट कर बात की है, ठीक है। NCTE की गाइडलाइंस के जरिए मिनिमम के बारे में न्यायालय को उन्होंने अवगत कराया कि सही परिभाषा मिनिमम शब्द की क्या होनी चाहिए। कालिया सर ने कोर्ट को यह भी बताया कि देखिए परीक्षा में शामिल हो रहे सभी अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए बीएड के अभ्यर्थी हैं, शिक्षा मित्र हैं, BTC है, सभी अभ्यर्थी एक जैसे हैं। तो सरकार के लिए या कोर्ट के लिए सभी अभ्यर्थियों का समान अधिकार है इस भर्ती पर और उन सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सभी के लिए समान कट ऑफ भी है। परीक्षा में सफल होने के बाद ही अपेक्स कोर्ट द्वारा दी जा रही छूटें उनको प्राप्त होंगी। तो अगर वो परीक्षा पास कर लेते हैं शिक्षा मित्र, या जो फेल अभ्यर्थी हैं जो 40-45 का पक्ष ले रहे हैं, तो जैसे ही वो परीक्षा पास कर लेंगे तो उनको सारी छूट प्राप्त हो जाएंगी शिक्षा मित्रों को। तो आर्टिकल 14 के सापेक्ष गुमराह नहीं कर सकते वो। आर्टिकल 14 जो है समानता का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी अधिकार जो है शिक्षा मित्रों को ही मिलें। जो बीएड बीटीसी के छात्र हैं, जो 90/97 पास के छात्र हैं, उनका भी तो अधिकारों का हनन हो जाएगा अगर हमने 40-45 को यहाँ अप्लाई कर दिया। तो कालिया सर ने ये सब बातें कोर्ट में कही हैं। उन्होंने बताया कि याचिका में दाखिल ग्राउंड्स के अलावा जिन मुद्दों पर बहस करी है शिक्षा मित्रों के एडवोकेट्स ने, उन्हें तो कंसिडर ही नहीं करा जाना चाहिए, क्योंकि अपेक्स कोर्ट ने जब फैसला दिया था तब क्राइटेरिया कुछ और था और कोर्ट ने कहीं भी ये निर्देश नहीं दिया था कि ATRE जो एग्ज़ाम हुआ है, ये सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ है, तो ऐसा कहीं कोर्ट ने नहीं कहा था कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता या ऐसी परीक्षा कोई नहीं लगाई जा सकती है। तो अपने सभी इन तथ्यों के साथ जो है कालिया सर ने फिर अनुरोध किया कि हमारा लिखित और कंपाइलेशन को पढ़ा जाए ठीक से, डिटेल में उसको पढ़ने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। तो कालिया सर ने इस तरह से अपना सबमिशन पूर्ण किया। इसके बाद चंद्र सर को टाइम मिला थोड़ा, और कालिया सर के बाद अब चंद्र सर अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हुए। उन्होंने भी 90/97 के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कोर्ट को फिर ये भी बताया कि छूट जो है शिक्षा मित्रों को जो छूट मिलेगी, जो भारांक मिलेगा, जो एडवांटेज मिलेगा, वो किस स्टेज पर मिलेगा, ये बिंदु भी तो महत्वपूर्ण है। पहले वो परीक्षा को पास तो कर लें, अगर वो पास करते हैं तो उनको सारी छूट दी जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है या उनके साथ उनके किसी अधिकार का हनन हो रहा है।
चंद्रा सर का सबमिशन पूर्ण होते ही फिर माथुर सर ने अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया था और माहौल को देखकर ऐसा लग रहा था आज ही कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। और जैसा कि हुआ भी बाद में, मैं आपको डिटेल में देखिए बताते जा रहा हूँ स्टेप वाइज। तो माथुर सर ने कहा कि ये जो शिक्षा ले रहे बच्चों का मौलिक अधिकार है और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा योग्य शिक्षकों द्वारा ही दी जानी चाहिए। तो बच्चों के मौलिक अधिकार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी आप कोर्ट का ऑर्डर रिवील करेंगे बाद में या जो भी कोर्ट का निर्णय रहेगा उसमें इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का मौलिक अधिकार का हनन बिल्कुल ना हो, उनको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और योग्य शिक्षकों द्वारा ही मिले। माथुर सर ने यह कहा कि सरकारी आदेशों में लिखे गए बिंदु जिनमें स्पष्ट है, सरकारी जो नोटिफिकेशन आए हैं, जितने भी शासनादेश जारी हुए हैं, उनमें सब साफ साफ लिखा गया है कि कट ऑफ केवल उसी भर्ती तक सीमित था। यानी कि 68,500 की बात यहाँ पर की गई कि 68,500 में जो कट ऑफ लगाया गया वो सिर्फ और सिर्फ उसी भर्ती के लिए था, वो वहाँ तक सीमित था। अब नई भर्ती 69,000 है तो उसमें भी सेम उसी कट ऑफ की मांग बिल्कुल गलत है। इसके लिए सरकार ने नया कट ऑफ लगाया जो कि बिल्कुल सही है, पुराने कट ऑफ की मांग बिल्कुल गलत है। ये माथुर सर ने कोर्ट को अवगत कराया। इसी के साथ माथुर सर ने कोर्ट को ये भी बताया कि किस तरह से इनकी फाइनल मेरिट बनेगी, किस तरह से परसेंटाइल बनाया जाएगा, वो सब माथुर सर ने कोर्ट के सामने अवगत कराया। साथ ही साथ माथुर सर बिल्कुल भी नहीं भूले NCTE का इम्पोर्टेंस बताना कि देखिए NCTE एक सर्वोच्च संस्था है हमारे देश में, वही निर्णय लेती है, तो उसके द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगाना यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ही गलत है। ऐसा इस देश में किसी को अधिकार नहीं है कि NCTE सर्वोच्च संस्था के लिए गए निर्णयों पर क्वेश्चन मार्क लगाएं। इन्हीं सभी आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ ही देखिए रिजेंडर की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई और ठीक इसी के बाद जज साहब द्वारा आदेश को सुरक्षित कर लिया गया है, आपका ऑर्डर रिजर्व हो गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने आज आ गई है जिसका आपको लगभग 1.25 साल से इंतज़ार चल रहा था कि कब इसका इंतज़ार ख़त्म होगा और कब ऑर्डर रिजर्व होगा। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर 29 मार्च को सिंगल बेंच का ऑर्डर आ गया था, यानी कि रिजर्व होने के बाद वो रिवील भी हो गया था, आउट हो गया था। अब इस बार आज है देखिए 3 मार्च का ऑर्डर रिजर्व हुआ है, तो देखते हैं कि क्या 29 मार्च से पहले ऑर्डर रिवील किया जाएगा, ऑर्डर आउट कर दिया जाएगा। वैसे तो देखिए जज साहब के पास टाइम है, 90 दिनों तक वो ऑर्डर को सुरक्षित अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं उम्मीद है कि उससे पहले ही ऑर्डर को आउट कर दिया जाएगा। अब अगला इंतज़ार हमारा ये होगा कि 69,000 का डबल बेंच का ये जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है किसके पक्ष में गया है, अब इसका इंतज़ार है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं आने वाले नेक्स्ट वीक में यानी कि अगले सप्ताह होली का त्यौहार भी है, तो आप सभी खुशियां मनाइए, होली मनाइए, सब गमों को भूल जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन।